यश खान आज अपने फिल्मी करियर को किस लेवल पे देखना चाहते हो? एक स्ट्रगलर ने जो बॉम्बे में शुरुआत की थी, यहाँ आके हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती सारे फिल्में कर ली, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ सर, और मुझे एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा था, जिनका नाम था राजू कारिया, कि जिस दिन तू खुश हो गया तेरे काम से, उस दिन से तुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। और मैंने उस चीज़ को सीखा, फिर मैंने कई बड़े लोगों से सीखा है कि अपने ही काम से तू खुश होता रहेगा तो फिर तुझे आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। तो सर, इसीलिए मैंने तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी सारी लैंग्वेज में फिल्में की, लोगों को मेरा काम पसंद आया, एंटरटेनमेंट मैंने लोगों को दिया बिग बॉस में, तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया ही हूँ अभी तक। आपने सारे फील्ड कर लिए, फिर भी आप बहुत अच्छे टैलेंटेड होने, एक्टर होने के बावजूद एक्टिंग से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फेमस हो, ऐसा क्यों? सर, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। मैं थोड़ा सा सच बोल देता हूँ सर, थोड़ा विटी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ जाता हूँ। जैसे 15 साल पहले सलमान भाई थे, बीइंग ह्यूमन खुलने के बाद भाई चेंज हो गए, तो वैसा ही मेरा भी है। पहले आप देखो सर, कहीं ना कहीं मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनको मानता भी हूँ, और थोड़ा सा फ्री माइंड हूँ। आप तो जानते हो सर, आप मुझे हमेशा समझाते हो फ़ोन करके, और आपने मुझे बहुत बार बचाया भी है कई मुसीबतों से। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो तुमने लाइफ में नहीं किया और करने की राह देखी और अभी तक के मिला नहीं? सर, मुझे ईश्वर का अनिल कपूर ने जो कैरेक्टर किया वो मैं करना चाहता हूँ, और एक मैं करना चाहता हूँ अग्निपथ का अमिताभ बच्चन। ये दो किरदार मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, बहुत ऑपोजिट है दोनों, और ये दोनों ही मेरे इंडस्ट्री के फेवरेट एक्टर है दोनों। मतलब इन दोनों को पकड़ना बॉलीवुड में किसी के बस की बात नहीं। सर, मैं टारगेट अंबानी देन मोदी, यू ऑलवेज टारगेट, तो आपको नहीं लगता है लोग इससे बचते हैं सेलिब्रिटी, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, एंड यू ऑलवेज टारगेट अंबानी हु रन द कंट्री। आप देखिए हर जगह सेक्टर में अंबानी। कभी भी तू देख, पिक्चर देख, कोई भी एक आम हीरो होगा ना, आम हीरो जो होता है, आम जनता का हीरो, वो हमेशा इस तरह के बड़े लोगों को टारगेट करता है। इसीलिए आप मोदी को टारगेट करते हो, योगी को टारगेट कर देते हो? हाँ सर, मोदी जी ने मुझे लेटर भी लिखा कि मैं सही हूँ, मैं उन्हें टारगेट करता रहूँ, उन्हें अच्छा लगता है।